नमस्कार सभी को, जय शंकर। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें। आपके समक्ष चोर हैं जिस पर बिश्नाह के लोगों द्वारा 5,000 का इनाम रखा है। इस चोर ने दिन दहाड़े ही एक मोटरसाइकिल को चुराया है और चुराकर रफू चक्कर हो चुका है। बिश्नाह के CCTV में ये सुर्खियों में है, सोशल मीडिया के खबरों में ये मशहूर है व्यक्ति, जो इस समय आप स्क्रीन पर जेके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने इनका फोटो स्टिल किया हुआ है, आप इसे पहचाने व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है। अगर इसके बारे में किसी जगह से भी आपको कोई जानकारी प्राप्त हो पाती है तो तुरंत आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस चोर को सबसे पहले पहचाने, देखें हुलिया और किस तरीके से इसने एक बड़ा क्राइम को अंजाम दिया है बिश्नाह क्षेत्र इलाके से। सबसे पहले मैं इससे मोटरसाइकिल ले जाते हुए कुछ विजुअल आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे ये चोर आ रहा है, चोर आते हुए ये बाइक से लगी सामने गली में जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके साथ ही गली है बिश्नाह की और इसी गली पे जो है इसने बड़ा क्राइम को अंजाम दिया। आप देखेंगे इसका हुलिया, सबसे पहले पहचानने का प्रयास करें। पहले इसने मास्क डाला ब्लैक कलर का, उसके बाद मोटरसाइकिल ये स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट कर जो है यहाँ से लेकर फरार हो चुका है और इस पर मामला भी दर्ज करवाया गया है बिश्नाह पुलिस स्टेशन में। ये आपने देखा होगा जहाँ से पूरी घटना पेश आई है, जिसके साथ ये मोटरसाइकिल था उस ऑनर से मैं बात करूंगा। इस समय हम एक बड़ी बिश्नाह के एक रेडीमेड शॉप में हैं, इसी जगह पे इसी शॉप में ही ये बच्चा काम करता है और साथ में ही इसी शॉप के जो है बैक साइड में गली है। तो इस पर 5,000 का इनाम रखा गया। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या बात हुई, कब लगाया था आपने मोटरसाइकिल, कैसे चोरी को जानकारी? सर सुबह आया था काम पे, तो मैं रोज इधर ही लगाता हूँ गली में। अच्छा। काफी देर से लगा रहा हूँ। अच्छा। तो कल मैं लगाया इधर, तो शॉप पे आया, काम कुम किया, तो जब लंच टाइम हुआ मेरा कोई ढाई बजे के करीब, तो मैं निकला इधर से, तो आगे देखा तो मेरी बाइक ही नहीं है उधर। क्या नंबर है बाइक का? JK02CB1542। कितने समय की बात थी जी ये? अभी कोई 1-1.5 बजे की बात है। कल पुलिस कंप्लेंट करवाई है? कंप्लेंट करवाई है सर। सर क्या कहेंगे आप पर, ही शॉप पर बच्चा काम कर रहा है, आप तो ऐसा लगता है कि किसी के शॉप में गली में बाइक या मोटरसाइकिल लगाना ही कठिन है, और आप लोगों ने 5,000 का इनाम भी रखा है सर। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो गरीब लोग जो है, जो एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं दुकानों पर, ये एक मतलब कोई इतनी रिच फैमिली से नहीं आते। देखो गवर्नमेंट इतनी जॉब भी नहीं इनको मुहैया करा रही, ये आ जाके किसी दुकानों पे जाके अपना जो अपना काम है वो करते हैं और किसी तरह अपने घर को पालते हैं। तो ये लड़का मेरे पास काफ़ी सालों से लगा हुआ है, और देखो एक होता है रात को चोरी हुई तो चेहरा नहीं पहचाना जाए, ये दिन की चोरी है, और इतने चोर इतने अब ब्रेव हो चुके हैं कि वो दिन दिहाड़ी चोरियाँ कर रहे हैं। देखो मार्केट में कोई पुलिस की गश्त भी नहीं है, ना कोई गाड़ी निकलती है, ना कोई पुलिस वाला यहाँ से गुजरता है, ताकि उनको डर बैठे कि यहाँ पे पुलिस का नाका है या कोई, क्योंकि मुख्य बाजार है और मुख्य बाजार से चोरों ने इतनी बड़ी चोरी भी कर दी। और अभी 2 दिन हो चुके हैं, आज कल का दिन और आज का दिन, आज तक हमें भी पुलिस वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कि ना उन्होंने बताया कि हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं उस बाइक को ढूंढने में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि वो प्लीज़ इस लड़के की हेल्प करें और इसका बाइक जो है वो इसे मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। कितना इनाम रखा आपने? मैंने 5,000 का इनाम अपनी तरफ से रखा है, और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, जो भी इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा और हमें अगर ये बाइक मिल जाती है तो मैं 5,000 का इनाम उस ज़रूर इंसान को दूंगा जो ये पुण्य का भागीदार बनेगा। कौन सा मोटरसाइकिल था? स्प्लेंडर प्लस। देखेंगे जी, दुकानदार हैं और इसी दुकानदार पे काम करते हैं, और बिल्कुल साथ में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल साथ में ही एक गली है, इनके दुकानें हैं सभी सामने लाइन पर देख रहे हैं, साथ में गली है और इसी रेडीमेड के दुकान पर काम करते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जितने भी रेडीमेड के दुकानें हैं, अन्यथा कोई भी दुकानें हैं, अगर गली पर मोटरसाइकिल लगाया जाता है तो चोरी हो जाता है। मैं SHO बिश्नाह से भी अपील करूंगा तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़े, ताकि दुकानदार इन चोरों से बच पाए। और तौबा मैं कहूंगा, जिस तरीके से ऐसी घटनाएं बिश्नाह इलाके में अब देखने को मिल रही है, और तब बिश्नाह क्षेत्र में किसी का बाइक या मोटरसाइकिल लगाना ही कठिन है, डर सता रहा होता है कि शायद चोरी तो नहीं हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें और चोरों को लेकर और बिश्नाह पुलिस किस तरीके से काम करें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद। जयशंकर।